ये वाली जो वीडियो देख रहे हैं आप ये डबल डाई की पैनल है एक पोर्शन इधर का काम करता है डाउन अप और एक पोर्शन इधर का, का काम करता है डाउन अप मतलब इससे आप दो सिलेंडर चला सकते हैं इससे जब भी चलेगा चाहे तो आप सिंगल सिलेंडर चला सकते हैं लेकिन ये डबल डाई का पैनल है आप इसका थोड़ा सा सेटिंग अलग है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेटिंग है इसमें तो इसका वीडियो पूरा देखिए अंत तक देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि किस प्रकार हम लोग इसको सेटिंग कर रहे हैं चला रहे हैं इसमें टोटल हम बताएंगे कोशिश करेंगे कि पूरा चीज़ का बताने का जैसे ये वाला जो चारों है इसके बारे में भी बताएं सारा इंडिकेटर जो भी है इसका कोशिश करेंगे पूरा बताएँ हम आपको कि आपको समझ में आए अगर आप किसी के पास इस प्रकार का पैनल है तो आप सेटिंग समझ सकते हैं चला सकते हैं खुद से इसका जितना भी सेट रहता है ये चारों एक दो तीन चार ये चारों बटन है ये चारों का सेटिंग समझाएंगे अभी हम तो कोशिश करेंगे आपको अधिक से अधिक समझाने का इस वीडियो में तो ये वाला सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं हम आपको दिख रहा होगा इसे हम लोग हीटर रेगुलेटर बोलते हैं थर्मोस्टेट इसका काम है हीटर को गर्म करना देखिए अभी हम सबको बारी बारी से ऑन कर रहे हैं तो देख रहे चारों को हम ऑन कर दिए इसको जरूरी नहीं है कि इधर से ऐसे ऑन करें हम लोग कभी कभी अर्जेंट में जल्दी ऑन करना रहता तो डायरेक्ट ऐसे करके यहां पर कर देते मतलब इसको इधर से घुमा दिए डायरेक्ट सो पे कर दिए तो इसको भी आप सो पे ऐसे घुमा सकते हैं डायरेक्ट सॉ पे इसको घुमा सकते हैं डायरेक्ट इसको सो पे घुमा सकते हैं सो पे क्या होगा ये ऑटो कट नहीं होता है जैसे ये वाला भी सॉ पे कर दिए अब ऑटो कट नहीं होता ऑटो कट नहीं होता तो ये डायरेक्ट हो गया अब ये लाइट इसका ऑफ़ ऑन ऑफ ऑन नहीं होगा अगर इसको हम कम कर देते हैं बीस बीस पे कर देते हैं तो थोड़ा थोड़ा देर में क्या होगा ना सब ऑटो कट होगा जो ज़्यादा देर तक देखिए जैसे ऑटो कट हो रहा है ऑफ हो रहा है कोई ऑन हो रहा है तो इसका काम ही है थर्मोस्टेट ये ऑफ होगा ऑन होगा ऑटोमेटिक काम करेगा इसका यही काम ही है उसके बाद चलिए अब हम चलते हैं इस पर आते हैं जैसे देखिए ये अभी सेमी मोड पर है ठीक है सेमी में चला है मतलब जितना बार ये चला है वो क्या है कि चार बार हम इसको चलाएं तो इसमें चार बटन है अब आपको क्लियर दिख रहा होगा एक है जो सेट इंट लिखा हुआ है इस बटन से हम लोग क्या करते हैं ना कि सेट करते हैं इसको कि किस प्रकार सेटिंग करना है दूसरा बटन से दूसरा बटन से हम लोग करते हैं इस पोर्शन से दूसरा पे आना है दूसरा से तीसरा पे तीसरा से चौथा पे तो ये काम ये वाला करता है उसके बाद वाला जो बटन है इससे आप इसका जो अंक होता है नंबर इसको चेंज करते हैं मान लीजिए चार है तो इसको दबाएंगे तो पाँच हो जाएगा फिर इसको दबाएंगे तो छः हो जाएगा इसको दबाएंगे सात तो नौ तक जाएगा उसके बाद फिर इसको दबाएंगे जीरो और फिर से काउंट एक दो तीन चालू होता है तो मान लीजिए अगर यहाँ हमको तीन करना है जो यहाँ पर अभी जो चार लिखा हुआ है अगर हमको इसको तीन करना है तो पूरा आपको एक से लेकर नौ तक जाना होगा फिर ज़ीरो आएगा फिर एक दो तीन इसको दबाना है इसको धीरे धीरे नहीं दबाना है कि दबा के रखिएगा तो फिर काउंट तेजी में होने लगेगा इसको झटका से दबाना है जल्दी जल्दी दबाना है कि इसका काउंट जो आपका किस प्रकार चेंज होगा सारा चीज़ अभी हम दिखाएंगे तो पहले देखिए इसको हम लोग मैनुअल मोड पे चलाते हैं किस टाइप से ये चलता है जैसे यहाँ से हम दबा रहे हैं तो ये डाउन जा रहा है यहाँ देखिएगा ध्यान से देखिएगा इस पर लिख रहा है क्या सिलेंडर वन नंबर वन नंबर डाउन जा रहा है यहाँ जो डाउन कर रहे हैं हम तो सिलेंडर आपका डाउन जा रहा है मतलब ये भाग जो हो गया इधर वाला ये सिलेंडर वन का हो गया और ये सिलेंडर टू का हो गया तो अब देखिए फिर से हम दबा रहे हैं सिलेंडर डाउन सिलेंडर अप सिलेंडर डाउन सिलेंडर अप अब मान लीजिए इधर का चलाना है तो जब ये, अगर हम इधर से भी दबाएंगे ना तो अभी इधर वाला ही काम करेगा देखिए सिलेंडर डाउन सिलेंडर अप ये भी वन वाला अगर हमको सिलेंडर इधर का काम करना है मान लीजिए इधर का काम का कर, कर रहे हैं सिलेंडर इधर तो इसका मोड को हम चेंज करेंगे पहले ये वाला मोड को उसके बाद अगर हम इधर डाउन करेंगे तो सिलेंडर टू काम करेगा डाउन और सिलेंडर अप टू का काम किया तो ये डाउन अप डाउन अप ऐसे काम करता है अगर हमको इसको सेमी में चलाना है कि इसका जो सेमी वाला एक बार डाउन हो और एक बार अप हो जिसको आजकल हम लोग पेडल सिस्टम भी बोलते हैं पेडल वाला जो पैर से दबाते हैं बटन तो उसके बाद फिर डाउन जाता है फिर अप जाता है तो उसका सेटिंग कैसे होता है जैसे देखिए इसको हम इस मोड पर डाल दिए और अगर हम सेमी वाला बटन दबाएंगे तो ये क्या होगा डाउन जाएगा सिलेंडर टू का हुआ अभी उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिक अप जाके फिर रुक जाएगा बस ये तो यहां पांच बार हो गया चार बार चला था पहले पांच बार अगर फिर हम दबाते हैं तो फिर ये छे बार हो जाएगा वहां तो ये काउंट कर लेता कि कितना बार आपका सिलेंडर डाउन हुआ या अप हुआ देखिए छह बार हो गया फिर से हम दिखाते हैं ये सिलेंडर डाउन जा रहा है देखिए इस पर कितना सेकेंड सेट है वो वाला दिखा रहा है यहां पे ठीक है ये डाउन होल्ड हुआ फिर अब सिलेंडर आपका अप जा रहा है और अप जाके रुक गया ठीक है अब उसके बाद मान लीजिए इधर वाला हमको चलाना है इधर का सिलेंडर तो फिर हम सिलेंडर वन का दबा देंगे तो ये भी सेमी में काम कर रहा है तो इसी प्रकार हम लोग सेमी का काम करते हैं मान लीजिए कि इधर का सिलेंडर को हमको डाउन करना है तो एक बार इसको दबा दिए फिर हमको मान लीजिए कि इधर में बन रहा है तब तक हम इधर का दबा दिए तो फिर मेरा इधर का काम कर रहा है ये डाउन जाके अप हुआ तो फिर हम इधर का दबा देंगे इस प्रकार काम करना है अब हम मान लीजिए इधर का दबाते हैं तो सिलेंडर डाउन जाएगा एक नंबर वाला फिर अप जाएगा चलिए ये तो हो गया आपका सेमी का इतना तो आप समझ गए होंगे कि मैनुअल कैसे काम किया हम लोग इसका मोड को इधर चेंज किए इधर से भी मैनुअल काम किया इधर वाला भी मैनुअल काम किया पर क्या हुआ कि इधर से हम बटन को दबाएँ कि डाउन अप डाउन अप तो मैनुअल काम किया आपका इधर वाला ही अगर हमको इस सिलेंडर को काम करना है तो मोड को चेंज करेंगे तो फिर इधर वाला मैनुअल काम करेगा अगर हमको सेमी में काम करना है इधर का तो ये ग्रीन बटन को दबाएंगे तो इधर का सेमी काम करेगा इधर का ग्रीन बटन को दबाएंगे ये वाला तो इधर का सेमी काम करेगा अगर हमको दोनों को ऑटोमेटिक चलाना है तो फिर और एक बार मोड को चेंज करेंगे ये दोनों को इधर साइड करेंगे और दोनों में से किसी को भी एक बार दबा देंगे ठीक है तो अब क्या होगा कि दोनों आपका सिलेंडर अप आप डाउन अप डाउन ऑटोमेटिक मोड पे चलेगा देखिए एक साइड को दबाए हैं ना कि हम इधर वाला को दबाएं केवल इसको दबाए हैं और ये दोनों चल रहा है आपका अब ऑटोमेटिक मोड पे आपका मशीन चाल चालू रहेगा एक डाउन होगा फिर एक अप होगा एक डाउन होगा अप, और ये वाला जो है आपका नीचे में जो लाइट जल रहा है ये इसके चलते चल रहा है ये हम अगर ऑफ कर देंगे तो ऑफ फिर इसको ऑफ कर देंगे इसको ऑफ कर देंगे ऑफ अगर अगर हम सब रेगुलेटर को चालू कर देंगे तो सब डायरेक्ट हो जाएगा तो इतना ही फंक्शन है इसमें बस इतना ही सेटिंग है ये तो बाहर का हो गया अब हम इसको सेटिंग सिखाएंगे आपको कि मान लीजिए ये जो डाउन जा रहा है जैसे देखिए एक मोड को हम चेंज कर देते हैं ये अब क्या होगा कि मैनुअल हो गया अब जो हम सिखा रहे हैं आपको ये चारों बटन का एक बार थोड़ा सा फोकस करके जूम कर दे रहे हैं इस चारों बटन का फंक्शन सिखा रहे हैं हम आपको सबसे पहले इस बटन का सिखाते हैं हम आपको यह जो बटन है आर एस टी इसमें क्या लिखा हुआ आर एस टी मतलब जो ये मेरा कितना बार चला है कितना बार काउंट किया है कि ग्यारह बार चला है अगर हम इसको दबाते हैं तो ये एक बार ले लेगा ले देख रहे आप ये क्या हो गया वन टाइम एक बार हो गया अब अब इस तीनों बटन का फंक्शन सिखाते हैं इसका तो समझ गए जब भी हम मान लीजिए कि ये हो गया सेमी में एक बार चलाएं तो वहाँ जो एक लिखा हुआ था वो अब दो हो जाएगा बस इसका काम क्या है कि जितना बार आप चलाएं उसको हम एक करना है जब भी मान लीजिए सौ बार चलाएं दो सौ पाँच सौ हज़ार तो इसको फिर हम दबाएंगे तो एक हो जाएगा अब हम आपको केवल इसका सेटिंग सिखा रहे हैं अभी पहले हम कितना कितना पे सेट है सारा चीज़ दिखाते हैं ये मेरा डाउन जो है चार सेकेंड पर सेट है डाउन होल्ड जो है मेरा सिलेंडर वन का वन जो लिख रहा है सिलेंडर वन का डाउन होल्ड जो था वो दो सेकेंड सेट है सिलेंडर वन का चार सेकंड सेट है आपका मतलब अप जो है चार सेकेंड सेट है उसके बाद सिलेंडर टू में आते वाला, वाला हैं इसका डाउन जो है चार सेकंड पे सेट है यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है चार सेकेंड ठीक है होल्ड जो है सिलेंडर टू का दो सेकेंड और इसका अप भी है चार सेकेंड तो मतलब सब आपका डाउन मतलब मान लीजिए कि इस सिलेंडर का इधर वाला का, का काम कर रहा है <coughs> इधर का डाउन काम किया आपका चार सेकेंड दो सेकेंड रुकेगा फिर चार सेकेंड अप हो जाएगा इधर वाला भी वैसे ही काम करेगा डाउन जाएगा चार सेकेंड दो सेकेंड होल्ड करेगा फिर अप हो जाएगा इसी प्रकार से ही काम करना है तो अब मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको मान लीजिए कि हमको क्या करना है डाउन हमको पाँच सेकेंड करना है और होल्ड तीन सेकेंड करना है और अप पाँच सेकेंड करना है फिर इधर का भी मेरे को क्या करना है कि डाउन पाँच सेकेंड करना है अप तीन सेकेंड करना है और फिर पाँच पाँच सेकेंड कर देना है तो क्या होता है कि देखिए पाँच सेकेंड तो काफ़ी एबव टाइम होता है पाँच सेकेंड में पाँच सेकेंड जो होता है काफ़ी परफेक्ट टाइम होता है कोई भी आप दोना पत्तल जो भी बनाइएगा तीन सेकेंड कम से कम होल्ड दीजिए तीन सेकेंड में काफ़ी बढ़िया बेहतरीन बनता है अगर आपका डाई में आप पत्थर वाला हीटर लगाएं या मतलब जो हीटर हम लोग जो बोलते हैं चीनी मिट्टी वाली हीटर लगाए हैं तो आप क्या कीजिएगा कि होल्ड को दो ही सेकेंड दीजिएगा उससे क्या है कि काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग आ जाता है अगर पत्ती वाली हीटर है आप में तो फिर क्या कीजिएगा आप तीन सेकेंड होल्ड दीजिएगा डाउन होल्ड जो होता है दोनों में तीन तीन सेकेंड मान लीजिए कि इस तरह साइड में आपका पत्थर वाला हीटर या जिसको हम सेरामिक हीटर या चीनी मट्टी वाले हीटर बोलते हैं आप जो भी बोलते हो तो अगर मान लीजिए इधर वाला में आप लगाएं तो इसका डाउन होल्ड दो सेकेंड कर दीजिए और इधर वाला का डाउन होल्ड क्या कर, कर दीजिए तीन सेकेंड कर दीजिए क्योंकि इधर पत्ती वाला आपका तो चलिए अब हम सेटिंग करके दिखाते हैं आपको ये सबसे पहले आ गए हम डाउन सिलेंडर वन का तो ये वाली जो देख रहे हैं आप इस पर प्लस है और प्लस इधर का एरो भी बना हुआ है मतलब हमको इस बिलिंग से इस पे आना है इस बिलिंग से इस पे आना है तो इस एरो का काम करेंगे देखिए दूसरा वाला पे आया एक बार और दबाएंगे फिर चार पे आ गया अब हमको चार को अगर पाँच करना है पाँच हो गया इससे बढ़ता है काउंटिंग जो आपका होता है गिनती जो भी अंक होता है वो बढ़ता है आपका तो देखिए अब फिर से बढ़ाते हैं छ सात आठ नौ दस मतलब जीरो फिर एक से तो चार था यहां हम पांच कर दे रहे हैं। अब हमको यहां चेंज करना है मतलब इधर वाला का मेरे को जो ये था आपका इसका मोड चेंज करते पहले ये दो सेकेंड पे सेट है तो इधर मान लीजिए कि आपका पत्ती वाला हीटर लगा हुआ है इस साइड का सिलेंडर में इधर साइड का जो सिलेंडर था उसमें पत्ती वाला हीटर लगा हुआ। तो हमको यहां होल्ड में तीन करना है तो देखिए अब हम तीन करते हैं इसको इधर से इस वाला मोड से इस पर आएंगे फिर इस पर आएंगे, और ये तीन सेकेंड अब क्या है इसका आप को भी जो आप है चार सेकेंड इसको हम लोग इससे इस, इस पर आएंगे, फिर इस पर आएंगे, पाँच हो गया अब सिलेंडर टू की बारी तो इसका भी सेट कर देते हैं पाँच पे सेट कर देते हैं डाउन को इसका दो सेकेंड होल्ड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे तीन सेकेंड करेंगे इधर आते हैं पहले यहां से तीन करते हैं अच्छा इधर तो पत्ती वाली हीटर थी ना सॉरी से वाली तो इधर दो ही रहना है तो अब मेरे को फिर से वापस दो पे लाना है दो पे और इसका जो अप है इसको हम लोग को पांच करना है तो ये सेट हो गया अब देख लेते हैं एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हम लोग सेट किए हैं तो सिलेंडर डाउन का वन का मतलब पाँच सेकेंड सेट किए हैं इधर तीन सेकेंड सेट किए थे होल्ड और पाँच सेकेंड अप ठीक है अब इधर का देखते हैं हम लोग पाँच सेकेंड डाउन सेट किए तो होल्ड तो दो ही सेकेंड सेट किए थे और अब भी पाँच सेकेंड तब हम लोग एक बार ऑटोमेटिक में चला के चेक करेंगे कि किस प्रकार चल रहा है ये ऑटोमेटिक मोड पे डालें और एक बार भी मान लीजिए इधर वाला दबाएंगे तो भी और इधर वाला भी दबाएंगे तो भी एक मोडा मैं इसमें और दिखाना चाहते हैं आपको इसमें क्या होता है ना कि जैसे डबल सिलेंडर वाला में रहता है कि मान लीजिए कि आप ऐसे चला रहे हैं तो मान लीजिए सेमी ऑटोमेटिक इधर वाला का काम कर रहा है आपका ठीक है तो जब तक ये डाउन होके अप नहीं होगा तब तक इधर फंक्शन नहीं काम करेगा ऐसा नहीं कि आप चल रहा है और इधर वाला दबा दिए तो उधर कुछ लाइट ही नहीं जला देख रहे ना डाउन जला ना अप जला तो इधर वाला नहीं काम करेगा जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आप इधर वाला नहीं दबाइएगा इधर वाला फिर मान लीजिए इधर वाला चल रहा है डाउन तो ये डाउन होगा फिर होल्ड होगा अब अप जाएगा तब आपका इधर काम करेगा मान लीजिए हम बीच में इधर दबा देते तो कुछ काम ही नहीं करेगा अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक इधर वाला नहीं काम करेगा अब काम करेगा तो इसमें कोई घबराने का बात नहीं कि मान लीजिए कि इधर वाला डाउन जा रहा है और हम बीच में इधर वाला दबा दिए तो ये काम नहीं करेगा आपका जब तक ये वाला का पूरा कंप्लीट सर्कल कंप्लीट नहीं होगा कि डाउन गया होल्ड हुआ फिर अप हुआ सिलेंडर तब तक दूसरा वाला आपका कुछ भी कीजिएगा आप काम नहीं करेगा अब हम इसको क्या करते हैं ऑटोमेटिक में डालते हैं और ऑटो स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप किस प्रकार काम कर रहा है जिधर का दवाएं है पहले उधर का, का काम करेगा सिलेंडर टू का उसके बाद वन का, का काम करेगा <coughs> देख रहे हैं ऑटोमेटिक चालू हो गया आपका सिलेंडर वन गया डाउन होल्ड फिर आप अब फिर सिलेंडर टू पे आएगा तो मान लीजिए कि हम इसको मैनुअल में डाल देते हैं फिर से मतलब ये क्या हो गया आपका मोड चेंज हो गया और ये एक फंक्शन करके बंद कर देगा बस तो ये पांच बार काउंट हो गया चल गया अब मान लीजिए कि हमको ऑटोमेटिक में फिर से डालते हैं और हम सिलेंडर इधर का दबाते हैं तो सिलेंडर वन से चालू होगा आपका चीज गौर कीजिएगा आप ध्यान दीजिएगा कि हम क्या किए इससे पहले वाला जो दबाएं तो इधर का ऑटोमेटिक दबाए थे तो सिलेंडर इधर का पहले डाउन हुआ था फिर अप गया फिर उधर का डाउन हुआ फिर अप गया इस प्रकार काम किया अबरी बार हम ऑटोमेटिक किए और इधर का दवाएं तो पहले सिलेंडर इधर का, का काम किया फिर इधर का, का काम किया ये फंक्शन इसमें थोड़ा अलग है जिधर का आप काम कीजिएगा उसी प्रकार का काम करता है जिधर का तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए पेपर प्लेट से जितना भी आप ये मॉडल देख रहे हैं सभी पेपर प्लेट का मशीन है बाहर में जितना भी देख रहे हैं वो हाइड्रोलिक वाली है जो भी आप देख रहे हैं सभी पेपर प्लेट का मशीन है तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और पेपर प्लेट की मशीन अगर आप रखे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मशीन को चलाने में आसानी हो सुविधा हो कि आप ढंग से अपने मशीन को आप चला सकें हमारे वीडियो को देखकर काफ़ी जन मेरे को कमेंट भी करते हैं कि भैया ये वाला प्रॉब्लम डाल दीजिए वो वाली भी प्रॉब्लम डाल दीजिए तो अब की बार काफ़ी कंप्लेन आया है मेरे पास कि भैया हीटर मेरा जो होता है वो ख़राब हो जाता है जैसे ये वाली जो पत्ती वाली हीटर होती है मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको इस टाइप की हीटर तो ये काफ़ी प्रॉब्लम करती है ख़राब हो जाती है जैसे ये वाली मैं दिखा रहा हूँ आपको ये वाला जो हीटर देख रहे हैं तो इसमें देखिए मेरे पास भी अभी इसमें प्रॉब्लम है कि ये खराब हो चुका है इसमें जो साइड में एक साइड में देख रहे हैं आप एक साइड में हुक है इसका दूसरा साइड वाला हुक टूट गया है दिख रहा होगा आपको तो इसको किस प्रकार ठीक करते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग किस प्रकार इसको यूज करते हैं हम लोग सारा वीडियो में मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने का तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमको वीडियो के माध्यम से काफ़ी मतलब जानकारी मिलता है कि काफ़ी जन मेरे वीडियो को देखते हैं पसंद करते हैं और काफ़ी कमेंट भी आता है मैंने काफ़ी कमेंट पढ़ा आप लोग का काफ़ी कमेंट आया मेरे को काफ़ी बढ़िया बढ़िया कमेंट आया कि भैया हीटर ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है कौन सा हीटर ऐसे होता है कौन सा जैसे मैं दिखा रहा हूँ मैं आपको ये वाली जो हीटर होती है ये सिरामिक वाली हीटर हो गई पत्थर वाली हीटर देख रहे हैं आप तो इसको भी किस प्रकार बनाते हैं ठीक करते हैं इसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा काफ़ी कमेंट आता है मेरे को इस प्रकार का वीडियो डाल दीजिए उस प्रकार का वीडियो डाल दीजिए तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को कि अधिक से अधिक वीडियो के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी देने का तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए काफ़ी प्यार दिया आप लोगों को यूट्यूब के जरिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का दोस्तों